देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम जेठमलानी 95 वर्ष की उम्र में अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन देश के सबसे बड़े कानूनविद को जब हम याद करते हैं तो उनके जीवन के अलग अलग पहलू हमारे सामने निकल कर सामने आते हैं। शायद ही ऐसा कोई केस रहा होगा जिसे अपने हाथ में लेने से जेठमलानी ने इनकार किया हो, चाहे आर्थिक मामले हों, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे राजनीतिक संकट वाले नेताओं पर आई हुई तकलीफें हों। राम जेठमलानी ने हर किसी को अपने कानून की किताब से दलीलें निकाल कर उबारा, और शायद इसीलिए एक अच्छे वकील के तौर पर जेठमलानी को हमेशा याद किया जाता रहेगा। लेकिन जितने अच्छे वकील थे उतने अच्छे ही राजनीतिज्ञ भी थे। अपनी ही पार्टी के नेताओं की बात रखते थे, समर्थन करते थे, लेकिन मौका आने पर उनकी बुराई करने यानी कि आलोचना से भी नहीं चूकते थे। और यही कारण रहा कि कभी भी अपनी ही पार्टी में उनकी पटरी किसी एक इंसान के साथ नहीं बैठी। हमारे हाल ही के या वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन भी जेठमलानी ने किया था, लेकिन फिर कुछ हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए। कहा कि जब ये सत्ता से बाहर होंगे तभी चैन मिलेगा। वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन क्यों ऐसा हुआ आइए आपको हम बताते हैं। और उसके अलावा ये भी बताते हैं कि जेठमलानी को वकालत की दुनिया में आखिरकार याद क्यों रखा जाएगा। एक वकील के तौर पर जेठमलानी 1959 में सुर्खियों में आए। तब वह KM नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में अभियोजक टीम में थे। इस मामले में नौसेना कमांडर पर अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या का मुकदमा था। यह केस आप फिल्म रुस्तम में देख सकते हैं, जो कि अक्षय कुमार की अभिनीत एक सफल फिल्म थी। जेठमलानी उन वकीलों में से थे जिन्होंने इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल और आंतरिक सुरक्षा कानून का विरोध किया था। बाद में जब उन्हें जेल भेजने के आदेश हुए तो वे कनाडा चले गए और 10 महीने बाद इमरजेंसी खत्म होने पर लौटे। जेठमलानी का मानवीय पक्ष तब दिखा जब उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में आरोपी केहर सिंह और बलबीर सिंह का बचाव करने का फैसला किया, और यही घटनाक्रम था जिसने उन्हें मानवाधिकारों का पक्षधर बनाया। उन्होंने 2011 में मद्रास उच्च न्यायालय में राजीव गांधी के कातिलों का भी बचाव किया। जेठमलानी सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में आरोपों का सामना कर रहे अमित शाह के भी वकील रहे और इस मामले में शाह को आरोप मुक्त करवाया। उन्होंने जिन हवाला मामले में लालकृष्ण आडवाणी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता, 2G घोटाले में कनिमोजी, चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव और खनन घोटाले में BS येदियुरप्पा जैसे नेताओं की वकालत की। एक ऐसे वकील जिन्होंने राजनीति में अपने अलग मानक स्थापित किए, लेकिन कभी भी अपनी पार्टी के नेताओं से उनकी पटरी नहीं बैठी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कानून मंत्री रहे जेठमलानी किसकी बदौलत सरकार में पहुंचे ये सभी को पता है। वाजपेयी से उनके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी से संबंधों के चलते उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। बाद में सॉलिटेयर जनरल से विवाद के चलते उन्हें अपना इस्तीफा भी देना पड़ा और उसके बाद फिर वे मंत्री पद के इंतजार में ही रहे। बाद में भारतीय जनता पार्टी के संगठन से भी उन्होंने खूब लड़ाई मोल ली। नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उससे पहले गडकरी के प्रति जेठमलानी का रुख नरम था, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद जेठमलानी ने गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बयान दिए। नतीजा हुआ 6 साल के लिए उन्हें भाजपा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। बाद में राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उम्मीद जगी कि जेठमलानी को शायद भाजपा में लिया जा सकता है, उनके वरिष्ठ होने का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन 2014 के चुनाव तक जेठमलानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जेठमलानी का रुख शुरू से नरम रहा। उन्होंने उनकी वकालत करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री पद के लिए वे नरेंद्र मोदी को सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तब नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये गलत है और जब तक ये लोग सत्ता से बाहर नहीं हो जाते मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को साथ भी रखते रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलने से डरते भी नहीं थे राम जेठमलानी। तो एक किस्सा था राम जेठमलानी का, जो हमेशा थोड़ा कड़वा बोलते थे लेकिन सही के लिए बोलते थे। एक ऐसे वकील जिन्हें हमेशा न्याय की आस रखने वाला हर व्यक्ति याद रखेगा। एक ऐसे राजनेता जो अपनी पार्टी की आलोचना के लिए जाने जाते रहेंगे। आज जेठमलानी जी ज़रूर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श या उनकी बातें या उनकी विचारधारा आज भी लोगों के जहन में उसी तरह से कायम है जैसे कि उनकी अपनी थी। क्यों? क्योंकि हमेशा सत्ता सुख, हमेशा लालच, हमेशा लोभ और हमेशा पैसा, इन सबसे ऊपर उठकर यदि किसी ने काम किया था तो वो राम जेठमलानी थे। लोग उन्हें अपने अपने तरीकों से याद कर रहे हैं। कोई अच्छे कानून के जानकार के जाने पर दुखी है तो कोई एक राजनेता के निधन से क्षुब्ध है।
हम उम्मीद करते हैं कि राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है, वकालत जगत में या न्याय जगत में जो शून्य पैदा हुआ है, निश्चित रूप से जेठमलानी जी के अलावा कोई भी उसे नहीं भर पाएगा। टैलेंटेड इंडिया की तरफ से भी राम जेठमलानी को श्रद्धांजलि। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।